तो आओ गाइस, फाइनली इंडिया को एक बहुत बड़ी जीत 238 रन का अगेंस्ट श्रीलंका देखने को मिला है, जो दूसरा टेस्ट हो रहा था, जहां पर इंडिया को आज की डेट में 9 विकेट चाहिए था जीतने के लिए। और श्रीलंका एक बहुत बड़ी टारगेट का चेस कर रहा था, वहां पर इंडिया 9 विकेट आज ले लिया है और जीत अपने नाम कर लिया है। हालांकि बीच में कुछ रोमांच देखने को मिला, जिसके बारे में हम बात करेंगे स्कोर कार्ड में। तो अगर स्कोर कार्ड देखेंगे तो करुणा रत्न ने जो शतक लगाए उसके बदौलत ही कुछ रोमांच देखने को मिला मैच में, पर टारगेट इतना ज़्यादा था कि उसके करीब भी आना बहुत मुश्किल था श्रीलंकन टीम के लिए। तो करुणा रत्न से एक बहुत अच्छी शतक देखने को मिली, जूझता हुआ शतक, 107 रन की पारी उन्होंने खेला। और लास्ट में आते आते बुमराह की बॉल पर वो बोल्ड हो गए, और उसके बाद कुशल मेंडिस पे उनका बहुत अच्छा साथ दिए, 54 रन की पारी वो भी खेले। उसके बाद जब वो आउट गए हो गए और कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाए और वो ऑल आउट हो गए दूसरे इनिंग्स में 208 पर। तो यही थी, अगर पूरे स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो इंडिया पहले इनिंग्स में 252 रन बनाया था, फिर श्रीलंका ने 109 रन पर ऑल आउट हो गया था, वह छोटा स्कोर बना था। उसके बाद इंडिया फिर से आए और 303 रन की पारी खेले, और उसके बाद श्रीलंका 208 पर ऑल आउट हो गए। तो यही थी मैच की खबर, और मैच के बारे में अगर बात करूँ तो अच्छी परफॉर्मर कौन रहे मैच की, तो उसके बारे में अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर देखने को मिले प्लेयर ऑफ द मैच, जो कि दोनों ही पारियों में बहुत ही अच्छी पारी खेले। पहली पारी में 92 रन और दूसरी पारी में 67 रन की पारी खेले। और मैन ऑफ द सीरीज की अगर बात करें तो ऋषभ पंत, जो कि दोनों ही मैच में अच्छी बैटिंग की प्रदर्शन देखने को मिला उनकी तरफ से, कि अटैकिंग क्रिकेट वो खेले जहाँ पर बॉलिंग फ्रेंडली पिच था। तो यही थी मैच की अपडेट, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय।